अब फिर हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है यूनियन की। यूनियन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन यूनियन ऑफ दीज सेट इज डिफाइंड एज, यानी ए और बी को दो सेट है उस कंडीशन में इन दोनों सेट का यूनियन जो होगा वो ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स, सारे ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 है, तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 एंड 4 5 6 सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5। सपोज अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी बराबर होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों एलिमेंट्स को हम लिख दें, दोनों एलिमेंट्स को कॉमन लिख दें, तो उस कंडीशन में हम उसके सबसेट लिख देते हैं, क्योंकि हम सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं, तो रिपीट नहीं करते तो सारे सेट को एक साथ लिखेंगे हम पूरे सारे नंबर्स को। सपोज इसमें से अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, बट जैसे कि चूंकि हम रिपीट नहीं करते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं लिखे जाएंगे, 7 एंड 8 ही लिखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी, तो इस तरह से ए यूनियन बी को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन।